हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें आज हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउंस इज़ यूज इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन मैंशनड इन देंटेंस प्रोनाउन जो है वो सिर्फ छोटे मोटे नाउन् जो मैंशनड हैं सेंटेंस में उसी के जगह पे प्रोनाउंस यूज़ किया जा सकता है जिससे कि हमको वो नाउन दोबारा दोबारा रिपीट ना करना पड़े जैसे कि या बार बार रिपीट ना करना पड़े जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं माइकल इज़ अ गुड बॉय माइकल एक अच्छा बच्चा है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग अब हमने यहाँ पर माइकल को ही से रिप्लेस कर दिया जिससे हमको माइकल माइकल बार बार ना बोलना पड़े टाइप्स देखते हैं पहला टाइप है सब्जेक्ट प्रोना सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसिज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिवियस सेंटेंस पुराने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन रिप्लेस करता है जैसे कि माइक कांट अटेंड द पार्टी माइक पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स ही माइक को ही ने रिप्लेस कर दिया अब हम लोग बार बार तो ये बोल नहीं सकते कि माइक हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स माइक कांट अटेंड द पार्टी ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा सो इसलिए माइक कांट अटेंड द पार्टी ही हैज़ गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स ही इज अ प्रो यहाँ पे प्रोनाउन Use कर लिया माइक की जगह नाउन की जगह माइक इज़ नाउन क्योंकि ये एक नाम है सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन ये जो है ये सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि एक सेंटेंस में क्या किस चीज़ की बात की जा रही है दे डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ये जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही डीपली इन्फॉर्मेशन देता है जैसे कि द कार दैट वॉज स्टोलन वॉज द वन दे लव्ड मोस्ट जो कार चोरी हुई है वो उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कार है यहाँ पे कार जो है वो नाउन है और ग जो है वो प्रोनाउन है थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं द प्रो दीज प्रोड्यूसेस क्वेश्चंस जैसे कि वॉट विच होम हुस होम और हु जो है और हुस होम हु होम और हुस जो है वो पर्सन और एनिमल को रिलेट करता है वॉट जो है वो आइडिया ऑब्जेक्ट या इवेंट को रिप्लेस करता है और विच जो है वो पर्सन या किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर सकता है या करता है जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं वॉट वॉज द नेम ऑफ योर डॉग तुम्हारे डॉग का क्या नाम है वॉट जो है यहाँ पे वो क्वेश्चन है वॉट जो है वो क्वेश्चन है वॉट वॉज द नेम ऑफ योर डॉग विच इज योर फेवरेट मूवी तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है यहाँ पे विच है क्वेश्चन है पूछा जा रहा है हु वर्क्स फॉर यू तुम्हारे लिए कौन काम करता है हु वर्क्स फॉर यू